हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट हेयर। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बहुत अच्छा हेयर कट बताऊंगी। जैसे कि अगर आपके क्लाइंट के बाल बहुत छोटे हैं, उसका यू या शोल्डर कट है और वो चाहता है कि उनके हेयर में कुछ डिफरेंट हेयर कट हो जाए और काफ़ी अच्छा लुक भी आए। जैसे कि क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा बाउंस होता है बालों में और उन्हें पसंद नहीं होता, वो अपने बालों को थोड़ा हल्का करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इसी तरह का कट बताऊँगी। और इनके बालों में काफ़ी ज़्यादा बाउंस था, काफ़ी हैवी बाल थे इनके, ये चाहती हैं कि बहुत हल्के रहें बाल और अच्छा भी लगे हेयर कट, तो मैं उसी टाइप का हेयर कट करूँगी। इनका शोल्डर कट तक किया हुआ है हेयर कट जो दिया है और यू में दिया है। तो पहले जो हम बाल हैं इस तरीके से बांध लेंगे ऊपर ऊपर के और नीचे के एक्स्ट्रा छोड़ लेंगे। इस तरीके से मैंने आपको पहले लॉन्ग लेंथ में ही बताया है, तो आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही सेक्शन लिए हैं, एक सेक्शन मैं उधर साइड का उठा लूँगी इस तरीके से, सिंगल साइड का, ट्रिपल सेक्शन कर लेंगे अगर आप चाहेंगे, आसान तरीका देखना चाहेंगे, बट मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं इस तरीके से ले रही हूँ। और इस तरीके से तिरछा लेके जाएंगे, जितनी कट करनी होगी अपनी लेंथ की उसके अकॉर्डिंग ही कट करेंगे हम। 0 डिग्री पे पहले नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इस तरीके से कट करेंगे और इसमें काफ़ी अच्छे लुक आएगा हमारे हेयर और काफ़ी बाल हल्के भी हो जाएंगे। जैसे किसी के बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं तो इन्हें हल्का कर सकते हैं। फिर दोबारा से उठाएंगे और थोड़ा सा ऊपर जाके कट करेंगे इस तरीके से, दोबारा से फिर कट करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा निकलेंगे हमारे काफ़ी अच्छे स्टेप आएंगे और काफ़ी बाउंस भी आ जाएगा बालों में और जितना हैवीपन है वो ख़त्म हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप लुक आएगा इस तरीके से। आप देख सकते हो कितने अच्छे स्टेप आएंगे और इनसे थोड़ा बालों में हल्कापन रहता है। जिसके हैवी बाल होते हैं पौनी भी ऊँची उठी सी बनती है और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि सिंपल सा हेयर कट है, कुछ डिफरेंट नहीं है, तो इस तरीके से वो डिफरेंट लुक दे सकते हैं। सेकंड उठाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग कट करेंगे अपनी गाइडलाइन से मिला के इस तरीके से। बहुत आसान हेयर कट है और बहुत आसानी से हो जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जो साइड में बेल बटन है ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी नई सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो इस साइड आएंगे, इस साइड भी अपने गाइडलाइंस लेके उसी के अकॉर्डिंग कट करेंगे और दोबारा से एक बार चेक करेंगे, कोई भी बाल छोटा बड़ा है तो अच्छे से निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देख रहे हो कितनी जल्दी हो जाएगी और एक दो बार में ही कवर हो जाएगा हमारा हेयर कट। और एक बार साइड कॉर्नर उठाएंगे और आगे की तरफ ले जाएंगे तिरछे करके इस तरीके से, चेक करते हुए ऊपर की तरफ आप देखेंगे कहीं भी बाल लॉन्ग हो रहे होंगे तो आप कट कर देंगे ये इस तरीके से। और अब ऊपर का एरिया खोलेंगे हम, क्राउन एरिया, इसमें से हाफ हाफ पार्ट कर लेंगे और हम फ्रंट में जाके कट करेंगे। यहाँ से हाफ हम फ्रंट में रख लेंगे। अगर आप विंग्स वगैरह डलवाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा, या साइड हेयर कट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। एक ही बार में ऊपर कट कर लेंगे ताकि हमारे बहुत ज़्यादा ऊपर तक जो बाउंस है वो ख़त्म हो जाए बालों में, हैवीपन जो होता है इस तरीके से। और काफ़ी ऊपर तक स्टेप आएंगे हमारे बालों में और जो हमने फ्रंट में निकाला था उसे हम फ्रिंज कट का लुक देंगे और पीछे से पहले हम यू कट का एक शेप दे देंगे, क्योंकि लेंथ इन्हें थोड़ी कम चाहिए थी, इन्हें इतनी नहीं चाहिए थी। तो हम अगर आप पहले चाहते तो पहले भी 0 डिग्री पे कट कर सकते थे, बट मैं अपने तरीके से करती हूँ तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं लेंथ देख के और उसके अकॉर्डिंग ही हेयर कट कर सकते हैं आप। अब आएंगे फ्रंट में और सारे बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे और आप चाहे तो नोज़ एरिया से लग लेंगे, चाहे तो चिन एरिया से रख लेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट कट में लुक देंगे। और अब इसे सेंटर पार्टिंग से बिल्कुल अलग कर लेंगे दोनों साइड और दोनों साइड से गाइडलाइंस मिलाते हुए कट करेंगे। हाथ को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे हम और इसके अकॉर्डिंग कट करते जाएंगे जो हमने पहले अपनी गाइडलाइंस बनाई है, और जो भी साइड में होगा उसे भी ले लेंगे, मिलाते हुए चलेंगे। कोई भी बाल छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा हेयर कट में। अब हम दूसरी साइड आएंगे और दूसरी साइड भी इसी तरीके से कट करेंगे जैसा कि मैंने उधर साइड किया था। जो भी एक्स्ट्रा हेयर दिखेंगे वो आप कट कर देंगे और इसमें आपके हेयर का लुक काफ़ी अच्छा लगता है। आप जो कट मैं दे रही हूँ इन बालों में जो मैंने बैक से दिया,
मीडियम लेंथ में भी कर सकते हैं, लॉन्ग लेंथ में भी कर सकते हैं, कैसा भी लुक दे सकते हैं। फ्रंट से आप इनका लुक देखेंगे कितना अच्छा आएगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये हेयर स्टाइलिंग, हेयर कट इनके ऊपर इस तरीके से। और बैक में भी आप देखना चाहेंगे तो बैक में इनका लुक कुछ इस तरीके से आएगा, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आएगा। और बालों में एक तरह का हेयर कट मिल गया इनको, जो कि एकदम प्लेन और सिंपल सा लग रहा था, उसी में अब ये खुले रखेंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो आप भी इस तरह का हेयर कट कर सकते हैं अपने बालों में और देख सकते हैं कितना अच्छा लुक लग रहा है हमारा। और ये है हमारा फ्रंट का लुक, आप चाहें तो फ्रंट से थोड़ा छोटा और कर सकते हैं या आप इतना ही रख सकते हैं। तो आपको मेरा हेयर कट पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।